हक करने से, गले में हाथ डालने से बच्चा पैदा हो गया। अपनी मम्मी का सुनते हो ना? हाँ, चिपकने से बच्चा पैदा हो जाएगा, ये कहाँ का ट्रिक है? कौन सा साइंस ये बात बोल रहा है? कौन साइंस, किस साइंस की किताब में लिखा हुआ है हक करने से गले में हाथ डालने से बच्चा पैदा हो गया? वाह भाई, अलग ही थ्योरी आप लोगों का चल रहा है। मम्मी का सुनते हो ना? हाँ, तो फिर सुन रहे हो? क्यों नहीं सुनूंगा? तुम बीवी सुनो, बीवी हो बेटा वो। अरे तुम बीवी हो ना, तुम बीवी हो, बीवी रहो। हाँ, माँ बनने की कोशिश मत करो। तो हेलो गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, गुनगुन राधिका के पापा और मम्मी सारे लोग एक तरफ से मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा। कैसे मान लो कि वो मेरा बच्चा है? शादी हुई है ध्रुव से, पत्नी उसकी, और वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी मम्मी से आके पीछे में बहस कर रहे थे कि नहीं डाइवोर्स दे दो, मैं अपनी बेटी को घर ले जाएंगे, और आज मेरे ऊपर आ रहे हैं चढ़ने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए। इतना मुझे पता है, ठीक है, वही है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने शादी करके गलती कर दी है जो अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। देखें अब क्या ये लोग आज क्या बात करने के लिए आ रहे हैं, अब क्या इनके दिमाग में चल रहा है। मैं भाई अपनी ज़िंदगी से अब ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अगर इनको ले जाना होगा भैया ले जाओ, डाइवोर्स लो, लो ख़त्म करो, हटाओ। जब सारी दुनिया यही मान रही है कि गुनगुन ही और समर का बच्चा है, तो ठीक है, भले मेरा नहीं भी होगा ना तो मैं पाल लूँगा, मैं कर लूँगा। किसी का भी बच्चा तो बच्चा है, बच्चा फरिश्ता होता, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे ध्रुव का बच्चा हो। अगर नहीं कोई मानेगा, अगर जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोपना है तो थोप दो भाई, मैं उसको अपना बच्चा समझ के उसको पाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आज देखते हैं क्या होता है, ये लोग आने वाले हैं। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहो, देखते हैं। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। क्या है भाई? बढ़िया, आप बताओ। हमने काम दोनों महापुरुष के दर्शन कराए। बात क्या करनी है ये बताओ ना। अरे जगह जगह बच्चे बांट रहे हो, हमने बात क्या करनी है भाई? तो ये तो इल्ज़ाम है, किसने बोल दिया कि वो मेरा बच्चा है? जैसे ध्रुव इनकार कर रहा है वैसे मैं भी बोल रहा हूँ वो मेरा बच्चा नहीं है। हाँ, तो दोनों इनकार करो, बढ़िया बात। तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे इसका बीच का कुछ सॉल्यूशन आप निकालो ना। इस तरीके से हमने बोला था बच्चा पैदा करवाओ उससे। अरे तो मैंने थोड़ी किया है, आप तो ऐसा मतलब सबसे ज्यादा तो आप ही बोल लो, जैसे लग रहा है आपने आँख से देखा उस चीज को। कमाल हो गया यार, मैं दूध पीता बच्चा हूँ ना, जब भी मैं वो तेरी बाजू में और तू उसकी बाजू में। अरे ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सारी दुनिया एक ही बात कर रही है कि तुम लोग चिपकते हो, चिपक दिखाते हो। नहीं, चिपकने से बच्चा पैदा हो जाएगा, ये कहाँ का ट्रिक है? कौन सा साइंस ये बात बोल रहा है? कौन साइंस, किस साइंस की किताब में लिखा हुआ है हक करने से गले में हाथ डालने से बच्चा पैदा हो गया? वाह भाई, अलग ही थ्योरी आप लोगों का चल रहा है। अलग से क्रिया करके दिखाए, वो हमारी नहीं है। बच्चे पैदा करने वाली क्रिया हम करके दिखाए तुझे। नहीं तो आप फिर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इल्जाम क्यों लगा रहे हो? काम ही ऐसा क्यों किया? अगर अगर नहीं नहीं अब ये बात बताओ ना, अगर चिपकने से हक करने से बच्चा पैदा हो तो लाखों लोग लाखों दिन लाखों करता है यार। तो आप लोग यही बात बोल रहे हो ना, आप ऐसी बात करनी चाहिए। फिर वही बात है, आप अभी क्या बोल रहे थे? तुम दोनों को हमेशा चिपकते हुए देख रहा था, तो उस चिप तो तुम दिखा रहे हो ना। एक भी नाइट आप मुझे देखे हो उसके साथ रहते हुए? दस बार तो बता दिया उन्होंने मेरे को, कभी जब हुआ ही नहीं। तुम देवे ही दिखा रहे हो। कमाल की बात करता है यार, थोड़ा सा सेंस से बात किया कर भाई। ठीक है आप बता दो, आप लोग जो बोलोगे मैं मानने को एग्री हूँ। चलो बोल दो, तुम हमारे से क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी वाइफ है। हाँ। और उसको मैं चाहता हूँ वो मेरी वाइफ बन करके रहे। सुनने सुनने दीजिए। अच्छा फिर ठीक है, वो यहीं रुके जब तक उसका बेबी होता है, उसके बाद उसकी वो देखभाल मेरी बेटी करेगी। अभी गुनगुन की कर रही है, इसकी कर रही है, उसकी करेगी। हमारे मामा का दिल है गांव, तो मेरी माँ का जिम्मेदारी थोड़ी है। तो मेरी माँ की जिम्मेदारी नहीं है ना भाई? हाँ, तो बेटी को खरीद के लेके आना तू। नहीं, खरीदने वाली क्या बात और है? क्या बेटी की जिम्मेदारी होती है अपने सास का खिदमत करना? और सास क्या? है क्या वो गुनगुन उसकी? गुनगुन की नहीं, आप जब मम्मी पे जा रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो यार किसी कहीं तो जीने दो। सब तरफ हम ही खराब है, सब तरफ हम खराब है, हमारी आंखें भी खराब है, हमारी सोच भी खराब है, कुछ तुम सही हो और गुनगुन सही है। जब मुसीबत पड़ी होती है तो खड़े हम ही होते हैं। फिर भी तूने अभी तक डीएनए क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तुझे मालूम है रिजल्ट क्या आएगा। आप अपनी बेटी से पूछो ना, आपकी बेटी क्यों मना कर रही है? क्या मेरी बेटी ने डीएनए कराना है? मना की है कि मत करवाओ। नहीं पूछ लो, आप पूछ लो, पूछ लो उससे अपनी बात, उससे आप पूछ लो। घास खाती है क्या राधिका? पूछ लो राधिका से, पूछो जरा। वो मुझे बोलते जब तुम्हें राधिका राधिका बेटा
कमाल हो गया यार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बेटी मना क्यों करेगी भाई? पूछ लो ना, आ तो गई ना, बताओ। तूने मना करा डीएनए टेस्ट? मैं क्यों मना करूँ? तुमने नहीं बोला? तुमने नहीं बोला? मैंने इनसे पहले दिन कहा कि अगर तुम्हारा बच्चा नहीं है तो मत करवाओ। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ मेरा नहीं है। मम्मी कहती है ये डीएनए करवाएंगे, तो क्यों नहीं करवाया अभी तक? तो मैं तो बोल रहा हूँ, जब तुमने तुमने क्या बोला था उस दिन? मेरा बोलना छोड़ो, तुम जो बोला उस अपनी मम्मी का सुनते हो ना? हाँ तो फिर सुन रहे हो? क्यों नहीं सुनूंगा? तुम बीवी सुनो, बीवी हो बेटा वो। अरे तुम बीवी हो ना, तुम बीवी हो, बीवी रहो। हाँ ये वाला मत, माँ बनने की कोशिश मत करो, अपने औकात में, औकात में रहो, बस औकात में रहो। तुम भी औकात में बोलो, मेरे पेरेंट्स खड़े हैं नहीं, मतलब हमारे सामने ऐसा ट्रीट कर रहे हो हमारी बेटी के साथ। तुम्हारा हर बार गुलामी नहीं की मैंने? हाँ तो मैं भी अपने माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। ठीक है, हम भी नहीं सुनेंगे। चल बच्चे घर चले, मैं भी जा रही हूं। बात करो ना, जा कहां रही हो? पहले बात सुनने के लिए लोग बात करो ना, खड़े होकर क्या बात करेंगे? आप क्या कहना चाहते हो? डीएनए करवाना है? डीएनए करवाना है, ठीक है, मैं करवाने को एग्री हूं। नहीं मैं एग्री हूं, मना कर रहे थे हमारे सामने यार, लड़का चोड़ा रहा है फालतू में। ठीक है तो आप तीनों ही मिलके मुझे दबा दो, कोई बात नहीं, बोल लो आप लोग, बोल लो, बोल लो। एक बच्चा पैदा कर, तू दस गली गली पैदा कर बच्चा, हमें कोई मतलब नहीं है। बेटा तू चले, अरे डीएनए करवाना है तो मैं एग्री तो इसमें जाने वाली क्या बात है? फिर आप गुस्सा करके जा क्यों रहे हो? फालतू बोलोगे क्या? फालतू अभी तो ठीक है, ठीक है, आवाज खुल लगी ना उसी समय बताते थे इसको कैसे बोल दिया फालतू। आज फिर फालतू बोल रहे ठीक है, क्या डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं ना? मैं तैयार हूँ करवाने के लिए। अच्छा, करवा लोगे ना तब बुला लेना। तो अभी जाके फिर क्या होगा? आप लोग, मैं आप देखो, आप गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। आप आते के साथ मैंने आपसे यही पूछा ना कि आप लोग चाहते क्या हो, ठीक है, तो उसी टाइम आप बोल देते कि मैं डीएनए करवाना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ करवाने के लिए। एक बात बताओ, अगर पापा कुछ नहीं कहेंगे तो तुम बदतमीजी करोगे? मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ? अभी तो तुम्हारी मम्मी का हमने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुम्हें क्या बोला? मम्मी ने जो कहा वो करो, तुम तो उल्टा मेरे पे चढ़ रहे हो। बीवी हो, बीवी बनकर रहो। मैंने बात कर दी तुम्हारे ऊपर, आपके लिए बताओ है ना, अब तुम करो जो तुम्हें जो करना है। चल बच्चे चले, चल जाने से क्या होगा? मैं बोल तो रहा हूँ कि ठीक है, मैं टेस्ट करवाने को एग्री हूँ। पहले आप रिपोर्ट देख लो, पहले आप रिपोर्ट देख लो। तुम कैसे नहीं बोल रहे? उल्टा कैसे बोला हमारे साथ? क्यों बोला? क्यों हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? एक मिनट रुको तो सही, सुन ले उसकी बात भी, सुन लो। मैं बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट में जो निकलेगा उसके बाद आप डिसीजन कर लेना। पहले सच्चाई तो आप तेरी मानत है ना भाई, तो फिर जाएंगे ना यार। तो रिपोर्ट तो दो दिन में आ जाएगा, तो अभी ले जाएंगे, दो दिन बाद ले आएंगे हम। हम कब मना कर रहे हैं यार? दो दिन ले जाएंगे अपनी बेटी को, कुछ हो जाएगा। हमारी बेटी है ना, ले जा सकते हैं हम। तू चलेगा बच्चे? तू बता अपना। हाँ चल लूंगी, चलेगी ना? चल ठीक है, वो भी जाने के लिए जाती है। और क्या, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा माइंड, और क्या। तो अरे तुझे भी सोचने का टाइम मिल जाएगा ना यार, ये हो क्या रहा है तेरे साथ? तू भी सोच लेगा यार, वो भी थोड़े दो चार दिन आराम से जी लेगी। पर नहीं, ऐसा नहीं, इतने दिन से कह रहे करवा लो, ये भी करवा चाहिए और तुझे वो भी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा आप लोग इल्जाम लगा रहे हो। ऐसा ही है, मैं तेरा बाप हूँ, हमें दिखता है तेरे डबल उम्र है मेरी। तो सरासर इल्जाम लगाना हो गया। अरे यार इल्जाम क्या लगाना, जो किया तुमने वो उसको देखना तो पड़ेगा ना। अभी जब टेस्ट नहीं आया तो आप कैसे कह सकते हो कि जो किया जो किया? जब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं आएगी तेरी, तू यही ऐसे पिटेगा। इसकी आंखों पे अभी गुनगुन का चश्मा चढ़ रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आने वाला अभी। तू सोच रहा है कि माँ बाप तुझे माफ कर देंगे? नहीं करेंगे हम लोग माफ तुझे, जो तुमने किया है ना अच्छा नहीं किया है। ठीक है, तो रिपोर्ट जब आएगा, जब आप चाहते हो ना कि बुला के, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइस कोई बात नहीं, इन लोग को यकीन भरोसा तो है नहीं, तो वही है कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करवाता हूँ, फिर देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकलता है। सबको जो गलत फहमी हो गई वो गलत फहमी तो निकालना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं।